हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं आर्निका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में शेयर करते हैं। तो ये आर्निका मेडिसिन जो होती है, ये चोट की बहुत पुरानी मेडिसिन होती है और चोट में इसका काफी इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं इसके और कौन कौन से सिम्टम होते हैं, इसके बारे में शेयर करते हैं। तो ये जो है वेरी पेनफुल रेमेडी होती है, यानी बहुत ही दर्द वाली रेमेडी होती है, दर्द के लिए यूजफुल होती है और दर्द के लिए यूजफुल होती है खास करके चोट के केस में, जहां पे सोरनेस होता है, ब्रूस फीलिंग होती है, उस तरीके के चोट में, उस तरीके के दर्द में ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी जहां पे जैसे लगता है कि धूस की चोट लग गई है, जैसे जब किसी चीज को काफी कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, तो उसके बाद जो उसमें पेन की फीलिंग होती है, उस तरीके की अगर पेन हो रहा है, यानी ब्रूस्ड पेन हो रहा है, सोरनेस हो रहा है, जैसे लगता है कि धूस की चोट लग गई है, जैसे काफी किसी चीज किसी पार्ट को मार दिया जाए, किसी पार्ट को क्रश कर दिया जाए, तो उसमें से जो जिस तरीके की चोट की फीलिंग होती है, उस तरीके की चोट की फीलिंग अगर हो रही है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। हालांकि ये मेडिसिन चोट के केस में ही नहीं होती है, यानी जो जहां पे इस तरीके की सिम्टम मिल रहे हैं कि पेनफुल हो और सोरनेस, ब्रूज्ड सोरनेस की फीलिंग हो ऑल ओवर बॉडी, तो वहां पे हम जो है, चाहे चोट लगी हो चाहे ना लगी हो, जहां पे ये ब्रूज और सोरनेस फीलिंग होती है, यानी धूस की चोट जैसे लगती है, वहां पे हम आर्निका मेडिसिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आर्निका के पेशेंट को बेड जो होता है, उसका जो बिस्तर होता है, उसको हार्ड लगता है, उसको लगता है कि ये बिस्तर हार्ड है, वो कहेगा कि हमको जो है दूसरा बिस्तर दे दो, हमको ये बिस्तर बहुत हार्ड लग रहा है। बल्कि काफी अगर मुलायम बिस्तर है, काफी सॉफ्ट बेड है उसका, फिर भी जो है उसको लगेगा कि ये बेड हार्ड है, उसको बेड हार्ड लगता है, तो वो अलग तरीके से जो है लेटना चाहेगा। और इसमें एक सिम्टम ये होता है कि हेड और फेस ये जो होते हैं ये हॉट होते हैं, और बॉडी और एक्सट्रीमिटी इसकी कोल्ड होती है, यानी जो है सिर के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हॉट होगा और पूरा हिस्सा बॉडी जो है ये कोल्ड होगी। ये काफी अनकॉमन सिम्टम होते हैं, तो इस तरीके की भी सिम्टम अगर है तो ये आर्निका में यूजफुल होते हैं, यानी वहां पे फिर आर्निका मेडिसिन देने पे जो भी प्रॉब्लम मोस्टली होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाती है। इसमें नेक्स्ट सिम्टम होता है स्टूपर आंसर देन फॉल्स बैक इनटू स्टूपर, यानी स्टूपर की मीन्स होता है कि जैसे वो बेहोशी की हालत में रहता है, जैसे खास करके फीवर के केस में होता है, जैसे पेशेंट हरदम से लेटा हुआ है, जैसे लग रहा है कि वो बेहोश है, होश में नहीं है, लेकिन अगर कोई बात उसे पूछो तो वो सही सही उसका आंसर बताता है, उसके बाद फिर से जो है उसी कंडीशन में फिर से वो बेहोश जैसी कंडीशन में हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है, खास करके ये फीवर के केस में होता है, तो वहां पे भी आर्निका मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और एक मेडिसिन और होती है बेप्टिसिया, इस तरीके की मेडिसिन होती है, वहां पे भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें देखे एक सिम्टम ये होता है कि टेस्ट और इरेक्टेशन, यानी जो डकार आती है और जो टेस्ट आता है कोई भी चीज खाने पीने के बाद में, तो उसके जो है बिल्कुल से रोटेन एग जैसी, यानी सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। तो अगर ऐसे भी आ रहा है, डकार आ रही है, बहुत बदबूदार डकार आ रही है, ऑफेंसिव डकार आ रही है, यानी जैसे लगता है कि वो बिल्कुल से सड़े अंडे जैसी डकार आ रही है या ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, तो वहाँ पे भी जो है ये आर्निका मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसमें एक सिम्टम आखिरी में ये देखते हैं कि अगर इरप्शन का केस है, इरप्शन है स्किन पे कहीं भी निकले हुए हैं, तो इसमें इरप्शन अगर सिमेट्रिकल इरप्शन है, सिमेट्रिकल इरप्शन जब होता है तो ऐसे केसेस में ये आर्निका मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो इसमें भी जो इरप्शन होंगे, एक्नी पिंपल्स निकले रहेंगे, वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। और इसमें एक सिम्टम ये होता है कि क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयल्स, अगर छोटे छोटे फुड़िया जो निकलती है, अक्सर लोगों को निकलती है, छोटी छोटी फुड़िया निकलती है, फुलसी निकलती है,
और वो इकट्ठे कई निकलती है, क्रॉप्स मतलब फसल के रूप में, यानी इकट्ठा कई निकल जाती है, मतलब लगा थोड़ी सी जगह में कई निकली हुई है और वो फेनफुल है, तो ऐसे केसेस में इरप्शन में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और अर्निका में एक सिमेट्रिकल इरप्शन होता है। सिमेट्रिकल इरप्शन के मतलब ये होता है कि बॉडी में जिस जितने इरप्शन, अगर मान लो राइट साइड में निकले हुए हैं, जहाँ पे जैसे मान लो चेहरे पे अगर राइट साइड में यहाँ पे निकला हुआ है, तो लेफ्ट साइड में भी इसी साइड पे जितने इरप्शन इधर निकले हैं, उतने इरप्शन अगर इधर निकले हैं, तो ये सिमेट्रिकल इरप्शन होता है। या राइट हैंड में मान लो कोई प्रॉब्लम इरप्शन निकले हैं, तो जितने इरप्शन वहाँ इधर निकले हैं, उतने इरप्शन इस वाले पैर हाथ में निकले हैं, तो ऐसे अगर है तो वो सिमेट्रिकल इरप्शन कहलाते हैं। तो सिमेट्रिकल इरप्शन में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है, यानी राइट और लेफ्ट जितने भी दाने या इरप्शन जैसे भी हैं, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में अगर निकले हैं, बराबर बराबर मात्रा में निकले हैं, तो वहां पे भी जो है ये आर्निका होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों, ये आर्निका मेडिसिन केवल चोट के केस में ही नहीं यूज होती है, बल्कि जहां चोट नहीं भी लगी है लेकिन वहां पे चोट जैसी फीलिंग होती है, चोट जैसी ब्रूस्ट फीलिंग होती है, सोरनेस होती है, जैसे लगता है कि वहां पे जो है धूस की चोट लग गई है, धूस की जो है धूस लग गई है, जैसे चोट लगने पे, धूस की चोट लगने पे जो है जैसे पेन होता है, अगर उस तरीके की फीलिंग हो रही है, भले वहां पे चोट नहीं लगा है, भले कोई इंजरी नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में आर्निका बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।